हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपके पीछे एक लड़का दिख रहा होगा जिसका नाम है, अपना नाम बताओ। आभास। पूरा नाम बताया करो। कुशवाहा। स्कूल किस स्कूल में पढ़ते हो बेटा? जेबीएस पब्लिक स्कूल। जैसा कि इसका टेस्ट हो गया है इसके स्कूल का, तो आज बेसिकली ज्यादा मिनट का तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, 5 से 7 मिनट का साथ वीडियो रहेगा। मैं इनसे सभी क्वेश्चन का आंसर पूछता हूँ, देखते हैं कि अपने क्वेश्चन पेपर में क्या करके आए हैं। तो आप बता लेंगे ना पूरा? तो जैसा कि इनका मैक्सिमम मार्क रहा, मतलब कि पूर्णांक की बात करें तो 30 नंबर का पूर्णांक में इनका रिजल्ट भी आ गया। कितना रिजल्ट में, कितना आपका पूर्णांक बना है पूरा? 30 में 30। जोरदार ताली बजाओ सभी बच्चे। बहुत खुशी की बात है यार कि बच्चे यहाँ के जो पढ़ रहे हैं काफी नॉलेज लेकर अपने यहाँ टेस्ट का अच्छा मार्क प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जैसा कि इनसे क्वेश्चन अब पूछना स्टार्ट करते हैं, तो आभास अब बताने के लिए तैयार हो जाइए। आकार चुप रहिए, नहीं पिटाई कर देंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। प्लीज। हाँ प्लीज आंसर। वेरी गुड, जोरदार ताली बजाओ। शायद आप इसका हिंदी में अर्थ जानते हैं। अगर आपसे इसका हिंदी में ट्रांसलेशन पूछा जाए, ये क्या पूछ रहा है, इसका अर्थ आपने क्या दिया आंसर में, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? नहीं पता। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ। डिफाइन द वर्ड प्रोसेसर। करेक्ट आंसर, वेरी गुड, जोरदार ताली बजाओ। जैसा कि इनका इंग्लिश कंप्यूटर का टेस्ट था, और तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन द कंप्यूटर लैंग्वेज, बताओ। वाह वाह वाह, करेक्ट आंसर। अरे यार, कम से कम गज से ताली बजाया करो, बहुत अच्छा आंसर दे रहा है। देखो यहाँ पे जो बच्चा ये आंसर दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर दे रहा है हमारे हिसाब से। और फिलहाल इसका बुक तो नहीं लिया है, लेकिन जिस हिसाब से आंसर बता रहा है करेक्ट फुल है। और लास्ट में चौथा और उसके बाद पांचवा भी है, राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। जैसा कि इनके बीच पांचवा क्वेश्चन है, पेपर में दिख रहा होगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या लिखा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ऑफ कंप्यूटर, हाँ राइट आंसर। हैज मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक स्पीड, एक्यूरेसी, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलिंजेंस, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटिलिटी। वेरी गुड, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात, जोरदार ताली बजाओ सभी लोग। मैं हमारे यहाँ जो भी छोटे बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं सभी को एडवाइस करूंगा, आप लोग देख सकते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनो, आप लोग देख सकते हैं कि ये आभास है, और आप लोग देख भी सकते हैं कि ये एकदम से ऋषि कपूर जैसा, हीरो जैसा लगता है। क्यों, ऋषि कपूर जैसा लगता है कि नहीं? इसके जैसे एक हीरो थे, और ऋषि कपूर जैसे एकदम सेम टू सेम चेहरा इसका मिलता है, और इसलिए मैं इसका नाम ऋषि कपूर रखता हूँ। वैसे तो आभास नाम है, पढ़ने लिखने में काफी अच्छा लड़का है। तो आभास जी, आप क्या बनेंगे आगे चल के? आईपीएस। आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस। वाह, जोरदार ताली बजाओ जी सभी लोग। हमारे यहाँ से एक बच्चा आईपीएस निकल कर जाएगा, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करेगा और अपने मंजिल को कामयाब बनाएगा। और अपने टीचर का नाम रोशन करोगे कि नहीं? बाद में जेल में तो नहीं बंद करोगे हमको? हाँ, अगर गलती करूंगा तो बंद कर देना, अगर ना सही करेंगे तो मत बंद करना। हेल्प करोगे कि नहीं आगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर आपका जितना पेपर हुआ था, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सब बता लेंगे। चलिए आज बस इतना ही, नेक्स्ट डे में आपसे पूरा क्वेश्चन
हो सकेगा इसके भी सोल्यूशन करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और सभी लोग अच्छे से पढ़ें, आबाद रहें, बर्बाद ना रहें, टाइम का सदैव ध्यान रखें, टाइम टू टाइम आए, टाइम टू टाइम पढ़ें। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।